हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कर्नलजीत सिंह। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी, सेवन्थ क्लास, इनसाइड द अर्थ। सो इनसाइड द अर्थ मींस हमारी अर्थ जो है वो सरफेस के नीचे, इनसाइड जो है वो देखने में कैसा है, उसको कहते हैं इनसाइड द अर्थ। वो हमने सीखना है इस चैप्टर में। वी विल लर्न दैट हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो इट इज़ सेम थिंग, इनसाइड द अर्थ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, पहले हम जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है दैट इज स्फीयर। दिस इज द मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट इज स्फीयर। ओके, तो आज हम एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे। हम अर्थ का जो इनसाइड है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए उसका ऑपरेशन करेंगे अर्थ का। स्टूडेंट्स, तो यस, लेट्स स्टार्ट दिस ऑपरेशन। दिस पार्ट I have taken out and this is your earth. Inside you can see these layers inside the earth. So here you can see that this is the core and then it is mantle and the outermost layer is crust. Okay, now this layer is the crust, outermost layer. This pink and red color is mantle and innermost layer white and yellow it is core. Okay, so core ke do part hain, outer core and inner core. Mantle ke bhi do part hain, upper mantle and lower mantle and then crust. Okay, agar hum isko example leke seekhna chahe to usme jaise egg hota hai hamara, theek hai, to egg ka jo white crust hai, जो उसका कवर है, वाइट कवर आउटसाइड, हार्ड कवर, दैट इज़ द क्रस्ट। ठीक है, अगर उस छिलके को हम उस कवर को उतार देते हैं एग के, तो बीच में जो वाइट पोर्शन आता है हमारा, जेली टाइप, दैट इज़ मेंटल। ओके, और उसके बीच में जो येलो कलर का पार्ट है एग में, दैट इज़ कोर। वो अर्थ की कोर है। क्लियर? तो इसको प्रॉपरली जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, नो वी विल मेक अ डायग्राम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ तो हमारा स्फेरिकल है, बट उसमें से हमने एक पीस कट करके उसकी डायग्राम बनाई है। जैसे वाटरमेलन हम घरों में खाते हैं, तो वाटरमेलन का एक पीस कट कर लेते हैं उसमें से, ठीक है। तो उसी टाइम में हमने जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने एक पीस उसमें से कट कर लिया है। अदरवाइज हमारी अर्थ जो है पूरी स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप। ओके, सो इन दिस डायग्राम नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज क्लियर। तो अपर मोस्ट लेयर विच इज शोन हेयर, इट इज द क्रस्ट, इट इज कॉल्ड क्रस्ट। ओके, अब जो क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वेरी करती है, वो चेंज होती है, उसकी थिकनेस जो है वो वेरिएशन है, उसमें यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वेरिएशन क्या है, जो ओशन क्रस्ट है, ओशन के बिलो जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की, उसकी थिकनेस है 5 किलोमीटर्स एंड देन अंडर द कॉन्टिनेंट्स दिस थिकनेस इंक्रीजेस। हेयर यू कैन सी दिस थिकनेस इंक्रीजेस हेयर एंड इट बिकम्स 30 to 35 किलोमीटर एवरेज थिकनेस अंडर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल पार्ट कौन सा है, जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हम भी कॉन्टिनेंटल पार्ट पे रहते हैं, ठीक है, दूसरा ओशन पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है। तो कॉन्टिनेंट्स में इसकी जो थिकनेस है दैट इज 30 to 35 किलोमीटर्स। इसके आगे वेन वी मूव फॉरवर्ड अंडर द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के अंडर, फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, तो वहाँ पे जो इसकी थिकनेस है दैट इज 70 किलोमीटर, वो 70 किलोमीटर तक वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है अंडर माउंटेन्स। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग, वी विल टेक द एवरेज ओनली। ओके, सो वी विल टेक द एवरेज ऑफ द क्रस्ट एज 35 किलोमीटर्स, एवरेज थिकनेस एज 35 किलोमीटर्स। ओके, नो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, टू मेन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, इट इज सिलिकन एंड एलुमिनियम। सो टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, फ्रॉम सिलिकन वी हैव टेकन द SI एंड फ्रॉम एल्यूमिनियम
we have taken the Al, so its chemical name becomes Sial. इसका जो chemical name है that is called Sial. Now silicon and aluminium both are light elements. तो when the earth was formed, जब अर्थ की formation हुई थी तो उस time पे उसके कुछ million years बाद तक जो lighter substances थे वो float करके ऊपर आ गए थे crust में, और जो heavier और denser material था that was sank towards the center of the earth due to gravitational forces. Okay, so that's why this silicon and aluminium it makes up the crust of the earth, and crust is lighter. That's why crust is floating upon the mantle. Crust जो है वो float कर रही है mantle part के ऊपर, क्योंकि जो mantle है it is in semi-liquid state. It is not properly liquid or solid. It is semi-liquid state. So crust is floating upon the mantle. Okay? And if we will talk about the volume, by volume, what is the contribution of the crust of the earth? Okay? That is 1%. अर्थ का जितना टोटल वॉल्यूम है उसका जस्ट 1% जो है वो क्रस्ट लेयर जो है वो कंपोज करती है. ओके, तो आफ्टर क्रस्ट विच इज़ द सेकेंड लेयर, दिस इज मेंटल. क्रस्ट के बाद में सेकेंड लेयर हमारी जो है वो मेंटल है. क्लियर? तो मेंटल इज अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. ओके, सो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में प्रॉपर्टीज जो वहाँ पे रॉक्स हैं, ठीक है, देयर प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस है. अपर मेंटल में टेम्परेचर इज लोअर, कूलर देन द लोअर मेंटल. ठीक है, तो दैट्स वाई द रॉक्स प्रेजेंट हेयर आर ब्रिटल. ओके, एज कंपेयर टू द लोअर मेंटल, ब्रिटल हैं वो, सॉलिड हैं, एंड दीज रॉक्स ब्रेक्स अप. जब अंडरलाइंग फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं अर्थ में, तो ये जो रॉक्स हैं ये ब्रेकअप होती हैं. जब ये रॉक्स ब्रेकअप होती हैं तो वहाँ से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो वाइब्रेशंस अर्थ के सरफेस के ऊपर क्रस्ट में जो है वो फील होती हैं हमें एज अर्थक्वेक. तो हम कहते हैं अर्थक्वेक आया है. ठीक है, जबकि जो लोअर मेंटल है वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. As we move inside the earth, the temperature increases towards the center. Okay? तो lower part में ये semi-solid state में है. Semi-solid state means जैसे plastic है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो पिघल जाता है, तो that is semi-liquid और semi-solid state. And these rocks in semi-solid state can move. These are mobile. And it is called magma also. Okay, and when sometimes this magma finds the way through the weaker part of the crust to come outside the surface of the earth, then we call it volcano, volcanic eruption. Now thickness of mantle part from the surface of the earth to inside is 2900 kilometer. तो क्रस्ट से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा थिकनेस है. क्रस्ट इज़ ओनली 35 किलोमीटर्स एंड मेंटल इज 2900 किलोमीटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मेंटल, देन अगेन टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, सिलिकन एंड मैग्नीशियम. ओके, एंड फॉर इट्स केमिकल नेम वी हैव टेकन SI फ्रॉम सिलिकॉन एंड MA फ्रॉम मैग्नीशियम. तो SI प्लस MA सीमा. सो केमिकल नेम ऑफ दिस लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेंटल इज सीमा, एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज 84%. अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 84% इज कंपोज बाय मेंटल लेयर. नाउ वी विल मूव टू द इनर साइड. ओके, थर्ड लेयर ऑफ द earth, it is also the innermost layer of the earth. This is core, it is called core. Okay, and its thickness from the boundary of mantle up to the center of the earth, this thickness is 3500 kilometer. So this thickness is more than crust and mantle. Okay,
So it is about 3500 kilometer. And if we will talk about the total thickness of the earth or radius of the earth, then we will add 2900 kilometer and 3500 kilometer. It will come to be 6400 kilometer. So students, total radius of the earth is 6400 kilometers. Okay, it is in a round figure. And exact radius is 6371 kilometer. Now core is also divided in two layers like mantle. The outer part is outer core and the inner part is inner core. Dono ke behavior mein difference hai. Outer core mein jo hai wo liquid form mein hai material wahan pe, aur inner mein solid hai wahan pe. It is inner core is सॉलिड. नो वट इज़ द रीज़न. ये जो इनर कोर है यहाँ पे जो अर्थ की अपर लेयर्स हैं सरफेस से लेके यहाँ तक सारी लेयर्स का इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो जाता है इनर पार्ट के ऊपर. तो ड्यू टू दिस इंटेंस प्रेशर द इनर कोर बिहेव्स लाइक सॉलिड एंड द आउटर कोर इज लिक्विड. अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं. जैसे हमारे किचन्स में हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, उसमें जो गैस फिल करते हैं उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ये गैस है, बट जब उसको इंटेंस प्रेशर के ऊपर सिलेंडर में फिल किया जाता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. इसीलिए जब सिलेंडर को कई बार हम हिला के देखते हैं तो हमें लिक्विड उसके अंदर लगता है, जैसे लिक्विड फिल हुआ है उसमें. बट जैसे वो गैस रिलीज होकर बाहर आती है नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पर आती है वो फिर से गैस फ्यूम्स बन जाते हैं उसके. तो सेम लाइक दिस द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज अंडर इंटेंस प्रेशर, दैट्स वाई इट इज सॉलिड वाइल द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज लिक्विड. नाउ कंपोजिशन ऑफ द कोर. सो कोर इज कंपोज ऑफ निकल एंड फेरस. फेरस इज आयरन, लोहा. बोथ निकल एंड फेरस आर हैवी एलिमेंट्स, दैट्स वाई द डेंसिटी ऑफ कोर इज highest. Okay, it is more than mantle and crust. Now for the chemical name of this layer, we have taken Ni from nickel and Fe from ferrous, and together it becomes knife. Ab teenon layers ke name ho gaye syal, seema, knife. Dusre names kaun se hain? Crust, mantle, core. ये जो स्याल सीमा नाइफ है यहाँ पे हमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है लर्न करने में. तो इसमें एक ट्रिक है, कोई पुरानी हिंदी मूवी जो है उसका एक सीन माइंड में क्रिएट करो जहाँ पे जो विलन है वो हीरोइन के ऊपर नाइफ से अटैक कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे विलन कौन है? स्याल. हीरोइन कौन है? सीमा और नाइफ. तो स्याल ने सीमा पर नाइफ से अटैक किया. तो तीनों लेयर्स के हमारे नाम आ गए, स्याल, सीमा और नाइफ. अब जो कोर है उसकी जो बाई वॉल्यूम जो कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इट इज 15%. ओके, सो 1% वाज क्रस्ट, 84% वाज मेंटल एंड 15% इज कोर इन द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होगा कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में साइंटिस्ट को कैसे पता चला, क्योंकि अर्थ के सरफेस के अंदर तो कोई जा नहीं सकता. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं है कि अर्थ के इनसाइड हम जा सकें. अभी तक जो मैक्सिमम जो माइनिंग है दैट इज़ अप टू 4 किलोमीटर इन साउथ अफ्रीका. ओके, एंड रशियन साइंटिस्ट और रशियन इंजीनियर्स दे हैव डग द अर्थ थ्रू अ बोर वेल अप टू 11 टू 12 किलोमीटर इन आर्कटिक रीजन इन साइबेरिया. तो 12 किलोमीटर से बिलो हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो साइंटिस्ट जो है वो कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने जो है वो डिफाइन किया है. ठीक है, तो इसका क्या है, हमारे पास एविडेंसेस हैं. जैसे जो मेंटल में से जो मैग्मा है इट इरप्ट्स आउटसाइड, बाहर आता है वॉल्केनो के थ्रू. तो उस मैग्मा को लावा को साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद लैब में टेस्ट करते हैं और उसकी कंपोजिशन के बारे में हमें पता चल जाता है मेंटल की क्या कंपोजिशन है. सेकेंडली जो अर्थक्वेक जनरेट होता है
मेंटल में। वो जो अर्थक्वेक वाइब्रेशंस हैं वो जब अर्थ के सरफेस के अंदर ट्रैवल करती हैं तो ये जो डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं वो लेयर्स एक लेयर से सेकंड लेयर में जाती हैं, जब डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती हैं, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं अर्थ के इनसाइड इनकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती है, ठीक है, वेरिएशन है उसमें, इसलिए वो जो वाइब्रेशंस हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी चीज़ को साइंटिस्ट ने जो है वो लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग टर्म में जाके इसको स्टडी किया कॉन्टीन्यूसली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थक्वेक आता है तो उसको स्टडी किया जाता है, वहाँ से हमें जो है वो अर्थ का जो इंटीरियर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है कम्प्लीट हो गया हमारा टॉपिक, इसको इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं और इनसाइड द अर्थ भी कहते हैं। तो दिस टॉपिक इज़ कम्प्लीट नाउ। अब नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड रॉक साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, देयर फॉर्मेशन एंड रॉक साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।